ताजो सासु आसो अपवर्ग बन्मनि श्रद्धा गति भक्ति अनो प्रमिशति। मैया ने पूछा, बेटा जी आप कहते हो संतन का संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, फिर संतों का संग से मिलता है क्या? बोले श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। कहते मैया अगर संतों का संग करोगे ना, मेरी जो कथा ब्रजवती कथा होती है उसको सुनोगे तो धीरे धीरे भगवान के प्रति श्रद्धा आई, फिर धीरे धीरे ठाकुर का प्रति तुम्हारी रति, फिर धीरे धीरे तुमको भगवत दर्शन हो जाएगा। इसलिए मैया अगर संतों का संग करोगे तुमको 5 लाभ मिलेगा। बोले 5 लाभ क्या है? बोले अप वर्ग वर्तमनी। प वर्ग मतलब होता है प फ ब भ और म, ये प वर्ग है। प में बोले परिश्रम, बोले फ में बोले फेर, बोले ब में बोले व्यर्थता, बोले भ में बोले भय, और म में मतलब वृद्धि। अगर तुम संतों का संग करोगे मात्र को ये 5 वस्तुएं नष्ट हो जाएगी, संसार का सारे भव बंधन नष्ट हो जाएगी, जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्ति हो जाएगी, जितने दुख कष्ट जीवन में सारे दुख कष्ट तुम्हारी से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। बोले बेटा तुमने बताया है संतों का संग करो, लेकिन तुमका कुछ गुण तो होनी चाहिए ना, ना केवल कपड़े देख करके और वस्त्र देख करके हम संत मान लेंगे। भगवान कहते नहीं भैया, ये देखे चोला है, लेकिन संतों का कुछ बाहर लक्षण भी है, कुछ अंतर लक्षण भी है। बोले बताओ क्या क्या? बोले उनका जो बाहर लक्षण है, बोले तिथि सबकार अजात सत्र वसाता साधु भी साधु भूषण। बोले संतों का जो पहला लक्षण है, बोले बड़े सहन शक्ति होते हैं, भले ही जीवन में इतने भी कोई आ जाए लेकिन कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते हैं। अब लोगों ने एक संत का नाम सुना होंगे, तुकार राम, कभी इनके जीवन में कोई क्रोध कभी नहीं आते थे, कभी कहेंगे लगते थे उनको कभी जीवन में कोई क्रोध नहीं आता था कभी। एक समय एक व्यक्ति ने सोचा इसको आज हम क्रोध दे कर नहीं छोड़ेंगे, ये रोज गंगा में स्नान करने जाते थे। उन्होंने क्या किया, एक टोकरी में एकदम डस्ट था लेकर खड़ा हो गया, जब उसने स्नान करके आया सीधा उसको सर पर डाल छोड़ा, उसने कुछ भी नहीं बोला, फिर जाकर गंगा में स्नान करके आया, जब फिर आया फिर खड़ा रहा, फिर दो बार सर पर डाल के कुछ नहीं बोला, फिर जाकर गंगा में नहा करके उसने 100 बार उसको ऊपर में इतने गंदा उन्होंने धोल डाल दिए, जब 100 बार में भी उसने कुछ नहीं बोला, बोले भैया ये बहुत बड़े संत है। फिर उनके चरण में गिर पड़ा, बोले तुम्हारे चरण में मेरे अपराध हो गए, बोले अपराध किस चीज से? आपने मेरा आज इतने उपकार किया कभी किसने करे ही नहीं। बोले कैसे? बोले रोज मैं एक बार गंगा में स्नान करता था, लेकिन तेरी वजह से आज मैंने 100 बार गंगा स्नान कर लिया, 100 बार गंगा में नहा लिया। इसलिए कहते भक्तों का जो पहला गुण ये तिथि सब है। हमारे संप्रदाय में एक संत हुए हरिदास ठाकुर जी, ये दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, इनका जो जन्म ये मुसलमान घर में हुई कुल में, लेकिन करते थे ये हरे कृष्ण महामंत्र। एक दिन मुसलमान राजा ने बुलाया, बोल तू इतने भाग्य से तुमने मुसलमान घर में जन्म ले लिया हो, जब हम हिंदू को छाया को स्पर्श करते हैं, हम स्नान करते हैं, और ये हिंदुओं का वाणी हरे कृष्ण नाम क्यों लेते हो? उसने कहा देखो भगवान एक है, कोई इसको अल्लाह कहता है, कोई इसको गर्द और कोई इसको भगवान कहते हैं, केवल उनके अलग अलग नाम है लेकिन भगवान एक ही है ना। बोले हाँ एक ही है। बोले मेरे को हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा ही लगता है। बोले नहीं, अगर तू ये हरे कृष्ण नाम करोगे मुसलमान बिगड़ जाएगा। बोले जब ये हरे कृष्ण कहता है हम भी हरे कृष्ण करें। बोले एकदम कि हरे कृष्ण नाम तो ले नहीं सकते हो। बोले तेरे को हम बोटी बोटी करके काट डालेंगे। बोले भले ही जो कुछ कर लो लेकिन मैं हरे कृष्ण महामंत्र नहीं छोड़ूंगा। राजा ने उसको 5-6 सिपाही लगा दिए, उस समय था 22 मार्केट है। बोले इतने बुरी तरह से उसको पिटाई करो मुसलमान लोग देख ले, जो मुसलमान होकर के हरे कृष्ण नाम लेता है उसको क्या दंड मिलता है। लेकिन जितने जोर से पीट रहे थे ना,
उतना जोर जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसको देख करके वैकुंठ से नारायण सुदर्शन चक्र लेकर गया, बोले जितने दुष्टों को मैं हत्या कर डालूंगा। लेकिन ये हरिदास ठाकुर इतने सहन शक्ति, वो इन्हीं के लिए ठाकुर के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे, ठाकुर जी ये अज्ञा है, नहीं जानते हैं कुछ, आप इनको अपराध को माफ कर दो। जब देखा इनके लिए प्रार्थना करते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पीठ पर ठाकुर स्वयं पीठ लगा दी। जितने पिटाई हुई सब भगवान ने ग्रहण कर लिए। जब 22,000 में पिटाई की तब भी उसने मरा नहीं, जितने जोर जोर से मार रहे थे उतना जोर जोर से चीख चीख करके हरिनाम ले रहा था, जब किसी तरह से मरा नहीं। बोले भैया तो जिंदा पीर कोई जीवंत महापुरुष हो, एक मिनट में लोग मर जाते हैं। 22,000 में उसको पिटाई हुई। जब देखा भैया मेरे लिए दुखी हो रहे हैं, बोले ठीक है अगर मेरे लिए तुम दुखी हो रहे हो, राजा सोचेगा तुमने कुछ मारा ही नहीं, मैं ही शरीर छोड़ देता हूँ। वो समाज में बैठे, जब समाज में बैठी गए उनको उठा कर लेकर राजा के सामने फेंक दी। बोले इसको मार दिया, बोले इसने बहुत गंदा काम किया, मुसलमान होकर हरे कृष्ण नाम उच्चारण किया, उसको कब्रगाह मत दो, देने से ये स्वर्ग में जाएगा, गंगा में फेंक दो। उनको तो गंगा की महिमा बताई थी, वो तो मरा ही नहीं, वो समाज में बैठा था। जब गंगा में फेंक दिया फिर दूसरे किनारे में लगा, फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। दुनिया को पता चला ये मर गया था, लेकिन दो बार जब जिंदा होकर आया, बोले भैया ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा कैसे हो गया। फिर उनके चरण में सबके सब उनके चरण में गिर पड़े, माफी मांगे, लेकिन इन्होंने तो माफ कर दिए लेकिन उनका चरण थोड़ी माफ नहीं किया। जितने लोग बिटाई किए थे ना वो सबके सब विध्वंस हो गए पूरा पूरा है। इसलिए भगवान कहते भैया संतों का पहला लक्षण है सहन करना। इसलिए बंगला में एक भाषा है, जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। देखो ये हर जगह में संसार क्षेत्र में देखो, अगर थोड़ी थोड़ी बात में अगर पति पत्नी लड़ाई करने लग जाओगे, बच्चे बच्चे लड़ाई करने लग जाओगे, फिर संसार चल सकती है? किसी किसी को सहन करना ही पड़ता है। इसलिए शिक्षा देते हैं कोशिश करो सहन करने के लिए, कोशिश करो। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज का जीवन देखे होंगे, हर बात में कहते थे बेटा सहन करना सीखो सहन करना सीखो। इसलिए जो सहेगा सो रहेगा, जो ना सहेगा वो नाश हो जाएगा। इसलिए सहन करना सीखनी चाहिए हमें, ये पहला सत्व का लक्षण है। उसके बाद में कहते वो सबको बराबर देखते हैं, बोले वसुधैव कुटुंबकम, सोचते हैं हम एक ही पिता माता की हम सब संतान हैं, एक ही पिता की सब संतान है। इसलिए पूरा पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। ये संतों का सब बाहर लक्षण, बोले इनकी अंतर लक्षण क्या, बोले एक अंतर लक्षण है, बोले मई अनन्य भावना भक्ति कुर्मन्ति चतुरा। देखो ध्यान देखो सुनो, स्वयं ठाकुर जी कहते हैं भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए, कहते भक्ति एक अलिष्ट भक्ति है बहुनिष्ठ नहीं। इसलिए भागवत में बताया वश्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत पत्नी सत पतिं यथा, जैसे एक पति व्रता नारी पति की सेवा करते करते इतने वशीभूत कर लेता है। देखना पति दिन भर काम करता है, पैसा कमाता है, लेकिन पैसा ला कर किसको देता है, पत्नी को देता है। अगर पति किसी काम के लिए पैसा मांग पैसा दो, पत्नी बोली इतना पैसा क्यों मांग रहे हो, इतना पैसा क्या करो, क्यों मांग रहे हो, उसको जवाब देते हैं, बोले क्यों, वो सेवा करते हैं पत्नी की, पति को उसने वैसे मुझसे कह दिया है और पति सुनता नहीं है, बोले नहीं इतनी पैसा की जरूरत नहीं, इतने पैसा से हो जाएगा। वो पति बात सुनता, बोले क्यों, वो पति की सेवा करती है। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे एक पतिव्रता नारी अपना पतिव्रता धर्म से पत्नी को पति को वशीभूत कर लेता है, मेरे भक्त भी मेरे को ऐसे वशीभूत कर लेता है। इसलिए पतिव्रता नारी किसको बोलेगी, जो एक पति की सेवा में जीवन को दे, तभी तो पतिव्रता है ना। इसलिए भक्ति भी एक पतिव्रता धर्म है। जैसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, जो एक को एकनिष्ठ होकर के साधन करता है वो तो सबका साधन हो जाता है। जो बोलेगा जैसे कोई सीए कर रहा है बोलता इंजीनियर कर लो, फिर डॉक्टर ही पढ़ लो, फिजियोथेरेपी हो जाएगा। उसी तरह जैसे हजमत लाल जी
उन्होंने किसकी भजन की है? कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना राम भक्ति की ना। पहले गोपियों ने कैसे भक्ति की? गोपियां कहती हैं उद्धव, जब उद्धव जी ब्रज में आए, गोपियों को ज्ञान की बात बताई, गोपियां क्या कहती है? बोले उद्धव तू ध्यान की बात कह रहे हो, मन थोड़ी दस बीस है, इसलिए एक मन सो गए श्याम संगी को आराध की, मन दस बीस है ही नहीं, वो मन तो कन्हैया को साथ में गया हुआ है, कृष्ण को साथ में गया। मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरिधर गोपाला। भक्ति ऐसे होनी चाहिए, भक्ति ऐसे पक्की भक्ति होनी चाहिए। आज इसकी पूजा की हुई नहीं, छोड़ करके बोल चलो बाबा और कहीं वहां पर चलो, वहां पर नहीं हुई बोले अरे हमने सुना वहां पर कोई सीधा बाबा है, बोले वहां पर चलो, नहीं भक्ति ऐसे नहीं होती। जैसे पति व्रता नारी की धर्म एक एक भक्ति, पति व्रता नारी की धर्म है, इसलिए हृदय में एक हो कृष्ण हो, अगर कृष्ण मंत्र मिला एकनिष्ठ कृष्ण भक्ति करो, अगर राम मंत्र मिला एकनिष्ठ होकर राम भक्ति करो, अगर तुमको नारायण की मंत्र मिले उनकी एकनिष्ठ भक्ति करो, सबको आदर कर सकते हो उसमें कोई दोष नहीं। उदाहरण दिया जैसे एक लड़की घर में शादी करके आती है, शादी करके कोई मेंबर बैठो, जैसे एक स्त्री शादी करके घर में आती है, जब शादी करके आती है उस पर नणंद भी होती है, उसकी देवर भी होता है, उसकी जेठ भी होता है, सबको सम्मान देती है, लेकिन हृदय में किसको बैठा कर रखती है? हृदय में किसको स्थान देती है? पति को हृदय में स्थान देती है, हृदय में और किसको स्थान देती है? अगर संसार में कुछ लड़ाई झगड़ा होगा फिर किसको लेकर वो अकेली हो जाती है? किसको लेकर अकेली हो जाती है? अपना पति को लेकर अकेली हो जाती है। उसी तरह हृदय में तो भगवान को, अपना हृदय में भगवान को स्थान दो, इसलिए हृदय में बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल वृंदावन में राधे 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 भगवान को एकनिष्ठ भक्ति, ठाकुर जी की सबको सम्मान दो लेकिन हृदय में ठाकुर जी को बल बैठो। भगवान ने कहा देखो माता जी जब गर्भ में बच्चा
का साथी जो होता है उसको सारे जन्म की बात उसको याद आती है। देखता है मैं गर्भ में नहीं एक नरक में आ गया हूँ, गर्भवास एक नरकवास है। फिर भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु जी मेरे को ये नरक जल्दी जल्दी निकालो। ठाकुर जी कहते हैं बताओ अभी क्या करोगे? बोले केवल एक बार हमें जन्म दे दो, फिर ये झूठे संसार में मैं कभी नहीं फंसूंगा, क्योंकि मैंने जो इतना कष्ट करके पैसा कमाया था वो सुख का समय का सारा दुनिया साथ में थे, लेकिन जब मैं इसको दुख हो कर रहा हूँ वो पति कहाँ, वो पत्नी कहाँ, वो बच्चे कहाँ हैं, कोई तो साथ में है ही नहीं, सारे कर्म का फल में अकेला भोगना पड़ रहा हूँ। केवल एक बार हमें ये नरक से निकालो, उठते बैठते सोते तेरे भजन करूंगा और ये झूठे संसार में कभी नहीं फंसूंगा। लेकिन भगवान ने कहा सच बोल रहे हो? बोले प्रभु एकदम सच बोल रहा हूँ। बोले अगर तुम भूल जाओगे ना फिर मैं बीच बीच में साधु रूप में आकर के तेरे को याद दिलाऊंगा। बोले फिर तो तेरा भजन नहीं करेगा, इसलिए पहले मैंने बताया था ना, ठाकुर जी ने कहा बीच बीच में तेरे को वारने की भी दूंगा। बोले क्या वारने दोगे? बोले जब पहले एक बाल पक जाएगी फिर फर्स्ट वारने की, समय हो गया जाने का लेकिन उसको वारने की हम नहीं सुन सकते। देना कान से ही बाल पकता है, उसको उखाड़ देंगे। दो बाल पक गया फिर उखाड़ देंगे, तीन बाल पक गया उखाड़ देंगे, अगर पूरा बाल पक गया खिचड़ी हो गया फिर मेहंदी ला कर कलर कर देंगे। उसकी वारी को हम सुनते नहीं, बोले दूसरा वारी की नहीं दूंगा। लता कर गया, बोले आंखों में देखना कम हो जाएगा, फिर बढ़िया चश्मा लगा लेते। तेरे को तीसरा वारी की दूंगा, क्या दोगे? बोले एक एक कर दांत तोड़ना शुरू करूंगा। फिर हम क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास में जाकर बढ़िया दांत लगा लेते हैं। चौथा वारी की दूंगा, बोले क्या दोगे? बोले डंडा पकड़ दूंगा। फिर चल नहीं पाओगे, फिर तीन हो जाएगा दो प्यार से। भगवान खुद कहते हैं ये मेरी एक वार्निंग है, तुमने जो आपके गर्भ कसम खा के आया था भजन करते लिए, मैं वार्निंग ही देता हूँ बेटा, समय रहते भगवान के भजन तू कर ले। एक एक वार्निंग, लेकिन उसको वार्निंग को हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भगवान तक फिर वार्निंग नहीं दूंगा, फिर तो राम नाम सत्य कर दूंगा। भगवान कहते बोले माँ फिर मरने का बाद, आप लोग सुने होंगे गरुड़ पुराण पढ़ते सुने होंगे ना, मरने के बाद फिर गरुड़ पुराण हम पढ़ते हैं, उसमें वर्णना सारी चीजें आती है, ठाकुर सारी बात बताते हैं। कहते मरने के बाद जो भजन नहीं करते, भजन करने वाले की बात नहीं, जो भजन नहीं करते हैं, फिर जीव जो कर्म करता है तीन काय मन वाक्य से, मरते से उसको तीन जमदूत लेने के लिए आते हैं, गले में काल खास को बांध करके गर्म रेतियों के ऊपर में घिसट से घिसट उसको जाते हैं। अब गरुड़ पुराण सुने होंगे, इसमें सारी वर्णना आती है। हम 13 दिनों के बाद क्यों शुद्ध होते हैं? 13 दिन अपवित्र रहते ना, 13 दिनों के बाद में शुद्ध होते हैं। बोले क्यों? ये गरुड़ पुराण में वर्णना आया है उसको एक नदी पार करना पड़ता है। बोले कौन सा नदी? बोले बदरण। वो नदी में बताया टाटी पेशाब खून पी का ये नदी होता है, उसको कोड़े मार मार करके उसको पार करवाना पड़ते हैं। इसलिए आप सुने होंगे ज्यादा कोई पाप करता है ना, कहते इसके नाम पर गया दान दे दो, जल्दी जल्दी उसकी पूछ को पकड़ करके वो जल्दी जल्दी पार हो जाए, इसलिए कहते गया दान दो। कहते माँ ये वैतरणी नदी 13 दिन लगता है उसको पार होने के लिए, कोड़े मार मार कर उसको पार करवाते हैं, फिर जमपुरी में जाता है, फिर उसको कापी खोलते हैं कितने पाप और कितने उसने पुण्य कितने किया है, फिर कापी खोली जाती है, फिर उसी के हिसाब से उसको फिर नरक में 84 नरक भोगना पड़ता है। उसके बाद में फिर ये जीव को फिर चंद्रलोक में भेज देते हैं, फिर ये चंद्रलोक से ये बारिश के माध्यम से किसी फल को ये जीव आश्रय ग्रहण करता है। इसलिए देखना कहते हैं ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, एकदम सही बात है, दाने दाने में खाने, ये ठाकुर जी स्वयं कहते बात है, जीव कैसे इसी संसार में आता है, अभी जिसके भाग्य में जो फल लिखा हुआ वो वही फल ही खाता है। देखो आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ, पहले कोई एक नास्तिक था कोई एक आस्तिक था, जो आस्तिक था मानता था ठाकुर जी को, बोलता था देख दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, वो कहता है भगवान भगवान कुछ नहीं दाने दाने में, अगर मैं नहीं खाऊंगा मेरे मुंह में कोई टोस्ट टोस्टर चिल्लाएगा। जो भगवान की भक्ति करता था देख अगर तेरे भाग्य में लिखा हुआ ना तो कहीं भी रहो जरूर तेरे पास में आएगा। बोले आ जाएगा? बोले हाँ। बोले मैं परीक्षा करता हूँ। बोले क्या परीक्षा करता हूँ? बोले मैं पेड़ के ऊपर चढ़ कर बैठता हूँ, देखता हूँ कैसे मेरे मुंह में खाना आ जाता है।
वहां पर एक नदी बह रहा था, पेड़ पर जाके बैठ गया, बोले देखूंगा। इतने में दो सेज सेठा एकदम प्योर घी के पूरी, हलवा, आलू और फूल गोभी की सब्जी प्योर घी में बना करके बोले नदी में स्नान करेंगे, फिर प्रसाद पा करके हम यहाँ जाएंगे। उसको पता नहीं वो वृक्ष को बैठा हुआ है, उन्होंने उसी वृक्ष में उसको लटका है और स्नान कर रहे। इतने में घर से खबर आया, घर में कोई जरूरी काम पड़ा, उन्होंने क्या किया, खाना तो भूल गए और नहा धोकर जल्दी जल्दी निकल गए। उसी जंगल में कुछ डाकू लोग निवास करते थे, वो घूमते घूमते जब वहां पर आए, किसी ने कहा भैया बड़े जोर से भूख लग रहा है, कुछ खाने पीने का व्यवस्था हो। लेकिन वो सब प्योर घी में बनी हुई थी, उसकी खुशबू भी आ रहा था। बोले भैया बड़े सुंदर कोई खाने का खुशबू आ रहा है। सचमुच से देखा वहां पर लटका हुआ, उन्होंने खोल करके देखे प्योर घी की एकदम हलवा, काजू किशमिश डाला हुआ और सुंदर पूरी और फूलकोभी आलू की सब्जी। बोले वाह देखो कैसे खाना मिल गया। जब खाने के लिए खोल कर खाने जा रहा था, एक डॉक्टर ने कहा बोले साहब साहब यहाँ कोई थोड़ी सेट सेट तेरे को खाने के लिए देंगे, लगता है हम लोग ये जल रहते ना डॉक्टर थे, लगता है हमें कोई मरवाने के लिए वो जान उचर के यहाँ आकर के कहीं पास पास में बैठा हुआ, हम खाए और मरे तू दे दे आस पास में। लेकिन बात तो सही है, तो इधर उधर देखने लगे, सचमुच से देखा उसको ऊपर में बैठा हुआ। बोले देख ले यारे मैं जो बात कह रहा था सच निकली कि नहीं। बोले हाँ बात सही, जो उसमें जहर मिला हुआ इसलिए बैठा हुआ ऊपर में, उसको उतार कर इधर आ, हमें मरवाना चाह रहे हो, उतर नीचे जोर जबरदस्त ऊंचा। बोले खास जहर मिलाया, वो खाना नहीं रहा था तो उसको मत पड़ दो मारे। बोले खाएगा नहीं, किन आदमी का खाना था, दो आदमी का खाना था, उसको मार मार करके एक व्यक्ति को दो आदमी को खाना खिलाया। जब दो आदमी को खाना खिलाए बोले तुम मर हम जा रहे हैं। जब चला गया उसको इतना विश्वास हो गया, उसको इतना विश्वास हो गया बोले भैया सचमुच से दाने दाने में खाने खाने का नाम लिखा हुआ है, देखो वो क्या हुआ। उसने एक भजन लिखा बोले अजगर ना करे चाकरी पंखी करे ना का दास मलुक कह गए सबके दाता राम, वही बना दास मलुक बना। इसलिए आप लोग कथा सुनोगे एक वृंदावन में राजेंद्र दास जिनके टीवी में भी कथा थी, गोसला जिसने बनाए वो मलुक पीठ के अभी आचार्य है, बहुत बड़े संतों उसने बना। इसे भगवान कहते हैं दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा हुआ। भगवान कहते हैं जिसके भाग्य में जो फल लिखा हुआ है वही फल ही वो खाता है, फिर वो अंदर में जाकर के बिरजिया बनती है, फिर पति पत्नी का मिलन से फिर गर्भ में संसार, फिर बच्चे का सृष्टि होता है। भगवान पूरा ये क्रम बताए कैसे जी धीरे धीरे गर्भ में आकर के आश्रय करके से बच्चा बनता है, ये भगवान स्वयं सारे बात को बताए। इसलिए भगवान ने बोले माता जी भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर भगवान की भक्ति अगर करता है माँ वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई श्रेष्ठ घर में जन्म हुआ हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है वो निकृष्ट है। बताओ हनुमान जी कौन सा जाति में जन्म हुए, बंदर घर में, लेकिन देखो सारा दुनिया पूजा करते हैं। सबरी कौन सा जाति में जन्म ली, सबरी घर में, लेकिन भगवान इसकी झूठा वेद ठाकुर जी स्वयं कहते हैं। प्रहलाद जी कौन घर में जन्म हुए, राक्षस घर में। श्री विभीषण कौन सा जाति में जन्म हुए, राक्षस घर में, लेकिन जब राम दरबार लगता है भगवान उसको बराबर आसक्त है ठाकुर जी। इसलिए भगवान ने कहा माता जी ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, तभी ये जीवन हमारी धन्य हो जाएगी। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर भगवान ये नरक की वर्णना करते हैं, कहते जो जैसे कर्म करता है उसको अनुरूप जीव को फल भोगना पड़ता है। जब उन्हें नरक की वर्णना की बोले अगर ये नरक ऐसे कोई बचना चाहते हैं बोले प्रायश्चित करो। प्रायश्चित मतलब होता है शास्त्र में लिखा हुआ, अगर आपसे यही से पाप हो गई बोले ये कर्म पुण्य कर्म करो तुम्हारी सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। जब उन्होंने ये सब बात को बताए परिकंद महाराज को ये बात पसंद नहीं लगा, बोले जो प्रायश्चित है प्रायश्चित
तो कर लेते हैं, फिर जाकर दोबारा फिर पाप करना शुरू कर देते हैं। पुण्य कर्म करेंगे, हाँ पुण्य कर्म करेंगे, फिर आकर फिर पाप फिर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके हृदय परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने बताया कि ये बताओ क्या काम करने पर हृदय परिवर्तन हो जाए, हृदय में पाप रहने का जो वासना है ये खत्म हो जाए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केवल एक ही चीज है, बोले केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अपना धुनति कारष्णे न निहार की वासना। उदाहरण दिया जिससे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। कहते अगर हृदय में भगवान का नाम अगर हृदय में प्रकट हो जाए, अपने आप हृदय के सारे अंधकार खत्म हो जाते, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले देखो तुमको एक कथा सुनाता। फिर उन्होंने अजामिल की कथा सुनाया। कहते ब्राह्मण घर में, अच्छे ब्राह्मण घर में उसने जन्म लिया, उच्च बोले ब्राह्मण घर में पत्नी बहुत ही सुंदरी, बहुत कम उम्र की बड़ी सुंदरी प्यारी। कहते एक व्यक्ति को अंदर में जितने सद्गुण होनी चाहिए उसके अंदर में सारे सद्गुण थी। एक दिन उसने जंगल में हवन के लिए कुछ लकड़ी और फल फूल लेने के लिए गया। उसने देखा एक शूद्र और एक शूद्रानी मदिरा पान किए हुए विवस्त्र होकर के मिल रहे हैं। उसने तो देखते रह गया, कोशिश किया आज तो लौटाने के लिए, लेकिन वापस जब गया बारंबार उस हृदय में वही छवि आ गई। इतने में जो काम उम्र की पत्नी ब्राह्मण थी उसने उसको त्याग दिया। फिर वो जो शूद्रानी थी वो शूद्रानी के पास में जाकर रहने लग गया। हम देखो यहाँ पर सिखा दे रहे कि जो गंदी चीज ये ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, सारे सद्गुण संपन्न हो, उसने एक बार ये गंदी चीज देखा तो उसका हृदय कितना गंदा हो गया। लेकिन हम लोग जो टीवी में, फिर स्मार्टफोन है, इंटरनेट में, अभी बच्चे इतनी गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं, इतनी ये गड़बड़ी डाइवर्स फाइवर्स उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? कारण यही है, जो बड़े बूढ़े हैं आपको पता होगा पहले पहले सिनेमा थी सब भक्ति युक्त, रामायण महाभारत सत्य अनस्या बढ़िया बढ़िया पिक्चर आती थी, उसमें कुछ शिक्षा की बात होती थी, इसलिए बच्चे कोई गलत रास्ता पर नहीं जाते। अभी जितना गंदी पिक्चर आएगी ना वो उतना ही फेमस होता है। कोई भक्ति को कोई पिक्चर आए कोई भी देखने के लिए नहीं जाएगा। जो बताएगा ये केवल प्राप्त वयस्क के लिए देखना, जितना अप्राप्त वयस्क के लिए बढ़ जाए। इसलिए इतने सारी गड़बड़ी सारे हो रही है। एक बार उसे दर्शन किया तो भ्रष्ट हो गया उसकी, और उसने वेश्या को साथ में जाने लगा। उससे 10 बजे हुए, लेकिन किसी तरह से सबसे जो छोटा बेटा था उसका नाम कैसे उसने नारायण नाम रख लिया। किस तरह से अभी छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा था, अभी उसने बार बार बच्चे को नारायण इधर आ बेटा, नारायण पानी लिया, नारायण मेरे गोद में हाथ दिया। अभी 3 बार छोटा बेटा सबसे ज्यादा होता है, बारंबार नारायण 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 रख लेगा। और मरते समय हम काय और मन वाक्य से सारे कर्म करते हैं। इसे मरते समय 3 यमदूत को लेने के लिए आए। जब 3 यमदूत उसको लेने के लिए आए, इतने में वो घबरा गया। घबरा करके दूर में उसको बच्चा खेल रहा था, उसने जोर से उसने बुलाया बेटा नारायण। कितना कह रहे नारायण, ये 4 ये कह रहे। एक तरफ 3 यमदूत आए और दूसरे तरफ में 4 विष्णु सुत आए। अभी जमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे और विष्णु सुत कहते हैं हम ले जाएंगे। कोई भी कहता अरे सब बेकार है ये जमदूत हमदूत, ये सब बेकार, किसने सब देखा? हाँ मैंने ना इस फोटो को यहाँ उठा कर रखा है। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो दिखाऊंगा। ये आगरा की बात है। कहते उसमें हेडिंग में वो छोटा बच्चा को दिखाया था, छोटे बच्चे को, उसका हेडिंग में था दुखी को सुखी को गलती से ले गए जमदूत। उसका हेडिंग ये है सुखी को गलती से ले गए जमदूत। ये आगरा के पास में आपको आप पढ़ा तो यहाँ से पढ़ सकते हो, सारे वो पेपर मेरे फटो लिया है। उसमें लिखा हुआ है वो माता जी सारी बात करते थे, ठीक 3-4 दिन पहले देखा 2-3 व्यक्ति टोपी पहन करके आए। वो चीज वो कोई नहीं देख रहे थे, मेरे को बड़े जोर से मार पीट किया, मैंने बड़े जोर से चिल्लाते रहा लेकिन कोई सुन नहीं रहे थे, उनको कोई देख मैं ही देख रही थी। फिर देखा 3-4 दिन बाद में फिर वही आए और मेरे को पकड़ करके पता नहीं किस लोग में ले, और
वहां पर देखा एक बूढ़ा काला सा एक बूढ़ा बैठा हुआ है। इतने में ही जब मेरे को वहां पर लेकर गए, इतने में जब महाराज ने बताया वहां पर जम है, बोले तुम लोग किसको ले आए हो? ये नहीं, वो गांव में दूसरे व्यक्ति है, जाओ उसको आपस में लेकर के आओ। और इधर क्या, वो मर गई, बुढ़िया मर गई। अभी उनका सारे परिवार आगे उसको जलाने के लिए जाएंगे, सबके सब सारे परिवार आगे उसको ले जाके जला के लिए। 3-4 घंटा बाद में फिर बुढ़िया बैठ जाती है। जब बुढ़िया बैठी गई, इतने में बोले भैया ये क्या हो गया? तो उन्हें सारी बात बताई। पता नहीं मेरे को एक दिव्य लोग ले गए थे, वहां पर देखा गया बूढ़ा सा बैठा हुआ काला रंग का, और उसने बताया तुम लोग गलती से इसको ले आए, वापस देख रहा हूँ। और मेरे को वहां से धक्का मारा कर वहां से फेंक दिया, मेरे पीछे मुझे दर्द हो रहा और वो जिंदा हो गई। अब लेकर पढ़ सकते हैं उसमें, और एक फटे मेरे और एक फटे है, कोई भी कोई इतना पुनर्जन्म को मारना नहीं चाहते हैं कोई कोई। उसमें और एक घटना है कि पेपर में बताई, बोले एक लड़की जो चौमुहा का नाम पता होगा, जहां पर ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े और सखा को चुरा रहते थे, वहीं की एक लड़की थी 10 साल की, जिसका नाम थी तुलसी। उसको पिता माता ले जाना चाह रहे थे दिल्ली, उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए। वो हाईवे दिल्ली के हाईवे में खड़े थे, इतने में एक ट्रक आकर उसको मार कर चला गया। वो फिर दूसरी जीवन में वो फिर जन्म लेती है गिरिराज गोपाल पास में गाँव में, जिसका नाम माहौली। वो लड़की उसका नाम हुई पूजा। फिर वो लड़की वहां पर जन्म होती है, जन्म थोड़ी सी हो जाती है, फिर बोलने लगती है हमारा घर वहां पर मेरे को ले चलो वहां पर। घर को पता चला शायद कोई हवा लगी उसके ऊपर, ये क्या उल्टा पुल्टा बोल दी, उसे झाड़ा फाड़ लगा। लेकिन वो किसी तरह से पता चला उनका परिवार में एक व्यक्ति स्कूटर के एक्सीडेंट से मर गया। वो इतने मचे लगे, बोले वहां ले चलो हमारे परिवार में अमुक लगता है वो मारा गया है। बोले ये क्या बोलती है? उसको लेकर गई, पूरा वो सीधा लेकर गई वो चौमुहा में, और अपना घर में सीधा लेकर गई। बोली मेरे पिता है, ये मेरी माता जी है। फिर बताने लगे आप मेरे को दिल्ली ले जाना चाह रहे थे, मैंने रोड मेन रोड में खड़ी थी और ये ट्रक ने आके तो मेरे को मार दी। बोले हाँ, बोले अभी मैं मेरी जन्म वहां पर हुई, इतने प्रसन्न हो गई बेटी को देख करके। वो पेपर में सारे अब जो देखना चाहते लेकर देख सकते हो। और कल तुम्हें बता रहा था ना किसे वो कैसे कैलाश में किसे सांप बना था, वो सारी घटना इसका से मेरे बना कर बैठा इस वजह। और देखना तो आप पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल से लिखे सारे साथ के। इसलिए यहाँ पर जमदूत और विष्णुदूत में बड़ी लड़ाई हुई। जमदूत कहते हम ले जाएंगे और विष्णुदूत कहते हम ले जाएंगे। देखो बच्चों का नाम अगर भगवान का नाम पर धरवाते हैं, इसकी कितने महत्व है। इतने में जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते क्यों ले जाओगे पता नहीं। इसने जन्म लिया ब्राह्मण घर में, अपना पत्नी को उसने त्याग दी, एक शूद्रानी को साथ में निवासी, 10-10 बच्चे हुए, उनको पालन करने के लिए सारे गुंडा गिरती चोरी डाका की। भैया सीधा तो नरक जाएगा, अमेर दिखाया सीधा नरक जाएगा। बोले भैया आप पुण्य भी तो कुछ किया। बोले क्या पुण्य किया? बोले अंतिम समय में जो भगवान का नाम लिया, जिंदगी भर पाप करो और मरने से पहले एक बार कृष्ण बोल दो राम बोल दो, हो गया। विष्णु तो कहते हैं तुमको क्या पता भगवान के नाम की में क्या शक्ति है, क्या शक्ति। उदाहरण देते हैं जैसे कोई रुई का ढेर हो, भूस का ढेर हो, आग की एक चिंगारी अगर पड़ जाए ना उसको जला करके ध्वंस कर देगा। इसलिए भगवान का जो नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम है। तुम लोगों को नाम का महिमा क्या पता है? जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रखा तब भी उसका सारे पाप खत्म हो गया था। उसने जो बारंबार बच्चों को उसने बुलाया नारायण आ जा, नारायण पानी ले आ, जैसे हम माला जप करते हैं उसका हो गया माला जप। लेकिन अंतिम समय में जो भगवान का नाम को ग्रहण किया, ये विशेष कृपा है ठाकुर जी की। इसलिए गोस्वामी जी कहते ना, गोस्वामी जी कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कही आप करना है। देखिए इसका दो मीनिंग होता है, इसका दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग यह है कहते जन्म जन्म मुनि जन कराई, कहते मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंत राम कही आप करना है तब भी राम का नाम नहीं आता, ये अर्थ है। दूसरी अर्थ है कहते भजन बचपन से क्यों करें, जब बूढ़ा हो जाए किसी काम का नहीं रहे, एक
जो माला सत्साल लेगी अभी से बचपन से क्यों करेंगे, देखो इसमें दो अर्थ बताया, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर का जतन करते हैं, बोले अंत राम कही तभी अंत समय में तुम्हारी राम नाम निकलेगा, क्योंकि बचपन में जो किया रील में जो किया वही तो निकलेगा, रील में अगर जिंदगी भर कचरा भरा रखा वो कचरा ही तो निकलेगा, जो रखा तो वही निकलेगा दिन से, इसलिए अगर जन्म जन्मांतर का जतन करते हैं फिर अंत राम कही तभी जाकर अंतिम में प्रभु का नाम निकलेगा, नहीं तो नाम नहीं निकलेगा, और अंत राम कही फिर आबत नाही फिर जगत आना नहीं पड़ता है, आना नहीं पड़ता है, इसलिए उसने जो अंतिम समय में ठाकुर का नाम लिया ये भगवान की विशेष कृपा। फिर आर्गुमेंट देते जब तू आपको बताया जब भगवान का नाम ले खत्म हो जाते, हाँ बोले भगवान का नाम कब लिया उसने, वो अपना बेटू बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया था, किसको बुलाया था, अपना बेटे को बुलाया, भगवान को बड़ी बुलाया, तब श्री जमदूत कहते हैं भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करना है, बोले कैसे कैसे, बोले सांकेतम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन नवबा वैकुंठ नाम ग्रहम अशेष अगहरम विदु, बोले पहला नंबर है सांकेतम, संकेत करके जैसे बच्चे का नाम कृष्ण गोविंद राम रख लिया, बारंबार बोला बेटा गोविंद आजा लाला राम आजा, इसको संकेत कहते हैं, इसलिए देखना पहले जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछो सब कृष्ण गोविंद गीता सीता लक्ष्मी, अभी बच्चों को पूछो टुल्लो बुल्लो टिंटी फिंटी, जितने विदेश का कुत्तों का नाम ना सब कुत्तों का नाम धरवा रहे, कहते अरे सब पुराना हो जो पुराना समय का नाम था कृष्ण गोविंद, अभी तो बच्चों को हम अंग्रेजी पढ़ा रहे ना, सब अंग्रेजी पढ़े अंग्रेजी पता नहीं आपको डली फली क्या क्या नाम रखते हैं, कहते बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे ना, इसलिए ये सब पुराना समय का नाम था। आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो, गए हो अब वहां इसको समझने में जाना, देखा इतने इतने छोटे बच्चों को सब नाम पूछना, आप उनको सब बच्चों का नाम पूछना क्या नाम है कृष्ण गोविंद गिरधारी सीता गीता, हा? वो लोग आकर के हमारी संस्कृति को वो हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, और हम लोगों ने मतलब छोटे जो घाकर फेंक दिया, उनकी रहन सहन उनकी चाल चलन ना जैसे चलते हैं उनकी जैसे खाते पीते सब, अब वहां पर जा हम तो स्कूल में खाते हैं, उनको जाकर देखो स्कूल में नहीं खाते, भगवान बोले पांच अंगुली दिए ना ये पांच स्पून दिया है, क्योंकि हाथ का अमृत है, आप बच्चों को देखना छोटे बच्चे को ये अपना अंगुली चूसता है, देखते क्यों ये अंगुली में अमृत है, इसलिए हाथ में खाने का अलग स्वाद, आप देखना स्कूल में खाओ आप अपना हाथ में खाओ देखना कि अलग स्वाद है उसमें, एक अलग स्वाद उसमें आती है, इसलिए पहले ये अंग्रेज लोग आकर के हमारी धन दौलत को लूट कर लग गए थे, अभी ये लोग आकर हमारी संस्कृति को, हाँ मैंने बताया ना वो रसिया में वो लड़कियां वो सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, तो हम साड़ी पहन करके हम क्यों कॉलेज नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी लड़कियां जींस क्यों नहीं पहने, हम जींस क्यों नहीं पहनेंगे, आप कभी जाओ उसमें दिख जाओ देखना कोई भी स्त्री को शरीर से कपड़ा हटाते हुए कभी नहीं देखोगे, सबके साथ अगर लड़कियां देखोगे सबके साथ कपड़े ढककर बैठे रहते हैं, ये ढककर रहते हैं, एक दिन हमारे कोई ब्रह्मचारी कोई गले में देखो चादर चादर लगा कर चादर है ना ब्रह्मचारी लोग, किसने कहा भाई चादर तुमने गले में क्यों डाले हो, बोले लड़कियां सब छोड़ दिया ना इसलिए हम इसको ग्रहण कर, इसलिए पहले जो हमारा जो रहन सहन जो कपड़ा सब था कैसे था ऐसे खाना सबके साथ, इसलिए उसमें इज्जत बस था, पहले तो सब चाहते हमारा बेटी बहुओं का इज्जत बचाए है ना अपना इज्जत, अभी कहते नहीं इज्जत नहीं, मेरे कोई बोल रहा था कोई एक नौकरी करता है वो कोई लड़की खाने के लिए अकेले जा रहे थे, कहते अगर अकेली अपना बॉयफ्रेंड को साथ में नहीं जाए ना, बोले ये अकेली कैसे खाने के लिए आ गई, अपना बॉयफ्रेंड कहाँ है किसका कितना बॉयफ्रेंड किसना किसना गर्लफ्रेंड उसको बड़े सम्मान मानते हैं, बस दुनिया पूरा अलग हो गया, पूरा दुनिया अलग होते जा रहा, इसलिए बच्चों का नाम उल्टा पुल्टा नाम हमें नहीं रखनी चाहिए, नाम रखो तो ठाकुर का नाम रखो, जितना बार बच्चों को नाम बुलाओगे तब तक भगवान नाम निकलेगा ना, क्योंकि भगवान का नाम तो बताया मंगल भवन अमंगल हरि, जिस घर में भगवान के नाम गुंजे वो घर का पवित्र होता है, जिस जिह्वा से भगवान के नाम निकले कभी जिह्वा पवित्र होती है, आप स्वयं देखो भगवान के नाम में
कितने शांति, कितने सुख, कितने आनंद भगवान के नाम से। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का जो संस्कृति है, हम ये सारे ऋषि मुनियों का संस्कृत होगा, हमें लेकर के चलनी चाहिए। इसलिए अभी भले भगवान का नाम चार तरह से, भगवान का नाम कल्याण करता है। और दूसरा उदाहरण दिया है बोले पारिहास्यम। पारिहास्यम का मतलब होते हैं अगर परिहास करते करते हंसी दिलक में अगर अरे राम राम करने से क्या होता है, इसमें भी कल्याण हो जाएगी उसके। इसलिए हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे बोले कि घर दो भाई रहते थे, एक भाई तो खूब भक्ति करता और एक भाई एकदम नास्तिक। अभी जो भाई भक्ति करता था, एक दिन अपना गुरुदेव का अपना घर में बुलाया, बोले गुरु जी मेरे जो छोटे भैया भजन नहीं कर रहे उनको समझाना, अभी भजन करे घर दोनों भाई आनंद में रहेंगे। बोले कोई बात नहीं, अभी गुरु जी आए घर में सत्संग करेंगे। उसको पता लगा कि गुरु जी को बुला रहे हैं तो मेरे को समझाएगा भजन करने के लिए, बैठूंगा तब तक मेरे को समझाएगा। जब देखा गुरु जी घर में आए ना, उसने क्या किया, वो अपना बाथरूम में जाकर के अंदर से कुंडी बंद कर दी। बोले मेरे को सत्संग में बैठना नहीं, हमको क्या समझाएगा। गुरु जी आए, कीर्तन किया, कथा सुनाए, लेकिन जिस के कर रहे तो आया नहीं। इतने में उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बोले बेटा मैं बता दूंगा, थोड़ी थोड़ी आगे आ गया, थोड़ी थोड़ी सरेंडर करके थोड़ी थोड़ी आगे आ गया, थोड़ी थोड़ी आगे आ गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रामायण गोविंद जय जय रामायण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बल कल्याण होगा, लेकिन एक काम करियो, ये कृष्ण नाम कभी बेचना नहीं, इसे इसमें उधार हो जाएगा।
बोले ठीक है गुरु जी, कुछ दिन बाद में मृत्यु हुई, मरने का बाद उन्हें जमपुरी में लेकर गए, बोले इसका काफी बोलो, बोले बताओ कितने पाप पुण्य, बोले महाराज कोई तो पुण्य नहीं था, बोले कभी तो होगा थोड़ा, बोले एक पुण्य है, इनके घर में एक बार आए थे, अब इनको बोले तो एक बार कृष्ण बोल, अभी गुरु जी की मुंह से सुन करके एक बार उसने कृष्ण बोला, और गुरु जी ने ये बात बताए अगर ये कृष्ण नाम को तू नहीं बचोगे ना, ये कृष्ण नाम से तेरे उधार हो जाएगी, उसने ये कृष्ण नाम बेचा है, एक कृष्ण नाम उसने किया है। उसको पूछी गई बताओ पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे, गुरु जी बात याद आ गया, गुरु जी ने कहा इस नाम से तेरी मुक्ति लेगी, इसी से ही तेरी उधार होगी, बोले मेरे को एक कृष्ण नाम का फल दे दो। अभी उन्होंने सारे वेद पुराण को निकाले, कृष्ण नाम की क्या फल है, देखो भागवत में ये एक श्लोक है, बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोधनित मुक्त अभिनत्वात् नाना, बोले भगवान का जो नाम है ये भगवान से अभिन्न है, और जो भगवान का नाम को बताया ये चिंतामणि, चिंतामणि नाम सुने हो, चिंतामणि का मतलब होता है जो मांगो ये हरि नाम आपको वही दे देगा, जो मांगोगे हरि नाम से, ये चिंतामणि भगवत नाम को उदाहरण दिया है, और ये पूर्ण रस स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप भगवान का नाम है, और हरि से बड़ा हरि का नाम। अभी जब महाराज का बुद्धि काम नहीं किया, अगर भगवान का नाम हरि से भी बड़ा है, अभी भगवान का नाम का विनिमय में क्या हो सकता, ठाकुर का विनिमय में कुछ हो सकती है, उनका दिमाग ही काम नहीं की, बोले भैया फिर कृष्ण नाम का फल क्या दे, हरि से बढ़ करके भगवान का नाम, बोले चलो ब्रह्मा जी के पास में पूछिए, ये ब्रह्मा जी बताएंगे, बोले भैया चलो ब्रह्मा जी के पास में, उसने कहा चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी मंगवा, अभी उनके लिए पालकी मंगाए, एक कंधे में जिया और दूसरे कंधे चित्रगुप्त, दोनों कंधे पर लेकर ब्रह्मा लोक में चले। ब्रह्मा जब दूर से देखा, बोले भैया जिसको स्वयं जब महाराज चित्रगुप्त पालकी में ला रहे हैं, जरूर कोई तो महापुरुष होगा, उन्होंने पूरा आरती का थाला फूल की माला चंदन उसको लेकर के स्वागत करने के लिए खड़े हुए, बोले भैया ये महात्मा कौन जिसको आप स्वयं कंधे पर ला रहे हो, बोले ये महात्मा नहीं पापात्मा, बोले फिर आप कंधे पर क्यों लाए, बोले हमको फंसा दिया, इनको गुरु जी के मुंह से एक कृष्ण नाम सुना, बोले एक कृष्ण नाम का फल दो, हमें सारे वेद पुराण को ढूंढ लिया, हर जगह में एक ही चीज मिला हमें हरि से बड़ा हरि का नाम, हमारा दिमाग नहीं काम किया, आप ही बताओ ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी सारे वेद को ढूंढे, उनको एक श्लोक मिला, उस श्लोक में लिखा हुआ है बोले अहो बद सपोच अतो गरिया जत ध्वाज वर्तत नाम तुभ्यम, कहते वो व्यक्ति चटाल क्यों नहीं हो, अगर जिसको जिह्वा के अग्रभ में एक बार भगवत नाम उच्चारण हो जाता है, कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है, और उसमें लिखा हुआ था एक कृष्ण नाम इतने पाप को नष्ट करता है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके। अभी ब्रह्मा जी का दो दिन काम नहीं किया, बोले चलो भैया शंकर जी के पास में चलते हैं, वो वैष्णव में अड़ गए, बोले चलो चल करके, बोले चल करके नहीं पालक मगाओ पालक ले चलो, अभी ब्रह्मा भी कंधे लग गए। अभी शंकर जब दूर से देखा, बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन जो स्वयं ब्रह्मा चित्रगुप्त और से जम ला रहे, शंकर पार्वती भी आरती का थाला लेकर खड़े हुए, जब वहां पर पहुंचे बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन है जिसको कंधे पर ला, बोले पुण्यात्मा नहीं पापात्मा, ये बीच में हमें फंसा दिए, बोले आप ही बताओ एक कृष्ण नाम का क्या फल, शंकर भी सारे शास्त्र को ढूंढे, वहां पर उनको मिला बोले मधुरम मधुरम मेतर मंगल मंगलाना सकल निगम बल्ली सत्फल चीति स्वरूप सक्री नपि परिहितम श्रद्धया भृगुवर नर मात्र तारयति कृष्ण नाम। जो कृष्ण का नाम है कभी मीठे से भी मीठा है और मधुर से भी मधुर है, और ये मंगल से मंगल है, सक्री मतलब एक बार श्रद्धा, नहीं तो हिला पूर्वक भी प्रभु का नाम निकल जाए नर मात्र तारे प्राणी मात्र को ये उधार कर देता है। अभी शंकर का दिमाग भी काम नहीं किया, बोले भैया जिसका नाम उसको ही पास में चलो,
चलो ठाकुर को भाव में चलेंगे, उनका नाम में क्या शक्ति हुई हो, बोले बोले चलो ऐसे नहीं पालतू होगा। शंकर भी आते थे, जब शंकर ब्रह्मा ये सबके से लेकर के पहुंचे भगवान का धाम में गोलोक वृंदावन, बोले प्रभु बोले ये भैया ये पुण्यात्मा कौन है जिसको कदे पर आप लाए, बोले पुण्यात्मा नहीं है पापात्मा, आपका किसी भक्त ने एक बार कृष्ण नाम बोले तो एक बार कृष्ण नाम बोला और उन्होंने कहा था एक कृष्ण नाम से उद्धार मुक्ति मिलेगी ये कथा है। तो हमने सारे ग्रंथों को ढूंढ लिया सारे वेद पुराण में एक ही बात बताया हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु आप बताओ आप ही बता सकते हो आपका नाम का क्या महिमा, बोले उसको ले आए। जब लाए भगवान उसको गोद में बिठा लिया, उसको भगवान ने गोद में बैठा है, प्रभु बताओ ना फल क्या, बोले उसका फल ये है एक कृष्ण नाम का जिसको स्वयं चित्रगुप्त स्वयं जम महाराज स्वयं ब्रह्मा स्वयं शंकर को भी लेकर उनको वैकुंठ ले आना पड़ेगा और एक दिन मेरे गोद में उसको स्थान मिलता है, एक दिन मेरे गोद में उसको स्थान मिला है। एक कृष्ण नाम की इतने महिमा, ये जम महाराज स्वयं ये बात को ये जम दूत स्वयं कहते हैं। फिर उन लोगों ने जितने जम दूत को मार मार कर वहां से भगा दिया और उनको बचा दिया। फिर उन्होंने हरिद्वार में गए, फिर भजन किए, फिर वही चार विष्णु तो आए और सीधा उनको लेकर के भगवान के पास में चले गए। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भगवान का नाम किसी तरह से मुंह से निकले, इसलिए बच्चों का नाम ना इधर उधर एकदम नहीं धरवाना। मैं पहले बताया था ना ये सबसे सब साइंस ही है, एकदम पक्के साइंस ही है, क्योंकि देखना ऐसे नहीं मुंह में जो आया बच्चों का नाम टुल्लू बुल्लू टिंकी फिंकी रख दिया, एकदम नहीं, ये साइंस ही है। क्यों साइंस ही है, देखना जब बेटी की शादी होती है ना जन्मपत्र मिलाते हैं ना, जन्मपत्र क्यों मिलाते हैं, वैसे क्यों शादी नहीं कर देते, बोले क्यों कि जिंदगी भर सुख में रहे पति पति में आनंद में रहे। इसलिए पहले बगैर ज्योतिष के कोई नाम नहीं होता था, अगर जन्म पत्र मिलाए हुए कोई शादी नहीं होता था, इसलिए जिंदगी भर पति पत्नी आनंद में रहते थे। अभी भारत में 40% या 50% डाइवोर्स हो गए, आप कोर्ट में जाकर के देखो कितने लड़ाई झगड़ा दंगा हो रही, क्यों हम लोग ने ऋषि मुनियों का शिक्षा को हमने एक तरफ कर देना चाहते, अपना मन मर्जी सारे काम को करना चाहते। मैंने पहले बताया ना जैसे कोई मशीन निकलता है वो मशीन को साथ में मैनुअल होता है, कहता कि नहीं वो मैनुअल को पढ़ कर को मशीन चलाओ तो चलेगी, अगर मन में चलाओ तो उसकी खराब हो जाएगी। जब भगवान ये दुनिया को बना है भगवान कहते हैं मैनुअल भी मैंने बनाया है, वो क्या है गीता है रामायण है ये भागवत है ये दान भी बनाया है। जब तक ये चीज को आप पढ़ते हुए चलोगे ना, हर घर घर में पहले रामायण पढ़ते थे गीता पढ़ते थे ना, रामायण पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ प्रभु राम सबे उठ करके पहले माता की चरण छूते हैं, गुरु जी की चरण छूते थे, इसलिए बच्चों के ऊपर संस्कार पड़ता था हमें भी पिता माता की चरण हमें छूनी चाहिए, लेकिन हम रामायण पढ़ते थे। भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए, भरत राम में कितना प्रेम है ना, भाई भाई में कितना प्रेम, ये तो शिक्षा। हमारे घर में देखो जितने उल्टा पुल्टा जितने हीरो हीरोइन का पिक्चर पड़ा हुआ होगा, जितने गंदी गंदी पुस्तक हमारे टेबल पर पड़ा हुआ, कोई भगवान की कोई ग्रंथ हमारे घर में नहीं होगा, अगर होगा ना उसको बांध बूंद करके कहीं ऊपर में लटका हुआ होगा, तब हमारा बुद्धि कहाँ से सुधरेगी। इसलिए हमें पिता रामायण भागवत में पढ़नी चाहिए। पहले मैंने बताया था ना अंग्रेजी बात, एक गीता कैसे उसको हाथ में पड़ गया, वो सुई साइड से सुई साइड करने जा रहा था बंधु में हाथ लगाया तो गीता कैसे आ गई, रात भर पढ़ करके उसने ईश्वर में आया, लास्ट में सब कुछ छोड़ करके सन्यासी ग्रहण किया और सारा दुनिया में गीता को अभी भी प्रचार कर रहा, मरने से ही बचा गया भगवत गीता। ऐसे महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं जब मेरे सामने कोई समस्या खड़ी होती थी मैं गीता पढ़ता था, ये महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं, ये गीता में सारी समस्या घर में कोई दुख हो अब गीता पढ़ो फिर मन में शांति आ जाएगी, सारे समस्या क्या समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ऐसे ही सब गीता हमारी पुराण है। इसलिए हमें गीता रामायण हमें पढ़नी चाहिए, बच्चों का अंदर भी यही संस्कार को बना दिया नहीं बन गया बन क्या 2 मिनट ही है ठीक है हम कथा सुना देते हैं तैयारी करो।
कभी ये देवता देवते में जब लड़ाई होती थी, अगर देवता मरे तो मर जाते, लेकिन अगर दैत्य मरे ना, उनका गुरु शुद्धाचार्य वो एक मंत्र जानता था जिसका नाम है संजीवनी मंत्र, फिर अपना चेले को जिंदा कर देता है। एक दिन देवता लोग ठाकुर जी को पास में गए, बोले प्रभु हम अमर कैसे बनेंगे? बोले एक काम करो, तुम दोनों मिलकर समुद्र बन जाओ, उससे अमृत निकलेगा, वो अमृत को पान करो तो फिर अमर बन जाओगे, लेकिन अकेले नहीं कर सकते हो। हरे कृष्ण, आप तो आया ही आ जाओ, आके एकदम एकदम पास में, सामने कुछ रखा हुआ नहीं, और आके एकदम आगे आ जाओ, सटक कर बैठ जाते, सब थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, और थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, सबके सब बर्फ में जैसे जम गए, कोई टीचर नहीं रहे, थोड़ी 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 आगे आ जाओ। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और दीजो प्रभु ये जो पिछले पिछले जो दरवाजा गुला अच्छा ना, वो लोग खुले दिन तब हवा चली जाए, घर में गर्म हो गए, वही सब सर जाओ प्रभु, पीछे से सारे दरवाजे को खोल दो, अंदर में बहुत गर्मी लग रहा है, एकदम पीछे दरवाजा सारे खोल दो, पीछे का दरवाजा खोल दो, सारे दरवाजा को पीछे का। अभी ये देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन की, समुद्र मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल बीज। तब श्री शंकर जी को प्रार्थना किए, इतने में शंकर जी टन टन बीज को उन्होंने पान कर ली, अब ये बीज को कहां पर लग रखे, जिसको उन्होंने अपना गले में उन्होंने धारण कर लिया, इसलिए शंकर जी का गा हो गया नील, इसलिए शंकर जी का एक नया नाम हो गया नीलकंठ, नाम पड़ गया। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। देखो शंकर जी एक बहुत अच्छी शिक्षा दिए है, देखो शंकर जी क्या शिक्षा देते हैं, बोले कोई गंदा चीज हो ना उसको अपना हृदय में मत रखा करो, नहीं तो उसको अपना मुंह में मत रखा करो, कहां पर रखो, रखना तो उसको अपना गले में धारण कर लो, क्योंकि अगर मुंह में रहेगा ना फिर तो लड़ाई झगड़ा कराएगा। अब देखो गुरु जी कहते थे सब चीज में हड्डी है, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, बता सकते हो किस में हड्डी नहीं? बाबा सब पंडित लगे हैं, इसलिए गुरु जी कहते थे देखो ये अंगुली में हड्डी इसलिए सीधा हो जाता है, हाथों में हड्डी इसलिए सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी इसलिए हम बैठ जाते हैं, पैर में हड्डी हम चलते हैं, लेकिन ये जीव में हड्डी नहीं, इसलिए देखना हर समय लबर 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 रहते हैं, और देखना घर में जितने लड़ाई होता है ना एक जगह लड़ाई है। आपको पता है ये महाभारत क्यों हुआ? ये द्रौपदी की वजह से हुई, द्रौपदी केवल इतनी सी बात बता दी, अंधा का बेटा अंधा होता है, केवल इतनी कारण से पूरा महाभारत हो गया। आपको पता है रामायण क्यों हुआ? ये सीता की वजह से, सीता ने थोड़ी जिहा चला दी, बोले कहां पर? बोले जिस समय मारीच ने हिरण उधार करके आया, सीता बोले हमें पकड़ करके ला दो, इतने में राम चले गए पीछे पीछे, लक्ष्मण को बोले तू अभी यहां से जाना नहीं, देखते रह रहे क्यों, राक्षस रहते हैं। इतने में वो तो मारीच, जब प्रभु राम ने बाण की प्रहार की, वो मारीच जोर से चिल्लाए भैया लक्ष्मण बचाओ, सीता ने बोले लक्ष्मण देखा राम को ऊपर कोई विपत्ति आई है, लेकिन लक्ष्मण को पता कोई विपत्ति आई नहीं सकती, प्रभु भगवान है। बोले नहीं भैया मेरे को आपको रखवाले के लिए बता कर, इनमें सीता इतनी सी बात बता दी, बोले हाँ अभी मैं समझ रही हूँ तू क्यों आया था, और ये सोच रहे हो राम मर जाए तो मेरे शादी करोगे, लक्ष्मण तो उनको माँ मानती है, माँ को शादी कर सकते हैं। इतने में लक्ष्मण ने अपना लक्ष्मण रेखा को उसने काट करके चली गई। सीता ने दो गलती की, पहला गलती उसने की एक तो ये जिहा पे चलाया, फिर जो लक्ष्मण जो रेखा को उसने उल्लंघन की है, इसलिए रावण ने क्या किया उसको उठा करके पूरा ले लिया, और पूरा के पूरा रामायण हो गया। देखो ये जिहा की वजह से सारी गड़बड़ी, आप देख रहे संसार में कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ी सी जिहा कैसे सीध हो गई, थोड़ी सी कोई एक बाणी निकले उसने ऐसी बोल रही थी ना, देखना बहू बहू में लड़ाई, और फिर भाई भाई में, फिर परिवार में लड़ाई लड़ाई का देना है। इसलिए यहाँ पर शंकर जी शिक्षा देते हैं
कोई गंदी चीज ही होना कभी अपना मुंह में मत रखना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये जीवा देना हमें चलती रहती है, बोलती रहती है। इसलिए महाप्रभु ने बताया रोज रोज एक एक लाख हरि नाम करो, भगवान का नाम जप करो, तभी ये जीवा कंट्रोल में आएगी, लेकिन कंट्रोल में नहीं आएगी है? नहीं तो हृदय में मत रखा करो उसको, क्या करो कंठ में रख लो। फिर समुद्र मंथन हुई, बोले समुद्र मंथन से फिर निकली स्वयं माँ लक्ष्मी स्वयं जी बनी, तुम अभी आ रहे थे। इसलिए फिर वहां से निकली, क्या निकली वहां से, फिर निकली माँ लक्ष्मी निकली। अभी लक्ष्मी की सुनी चाहिए, दुनिया में लक्ष्मी चाहिए, सब लड़पड़े लक्ष्मी ली। लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं, सब लाइन में उभर खड़े हो जाए, मैं अपना मन मर्जी पति को मैं चुनूंगी। सबको पास में उसने माला ले गई, लेकिन देखा सब में कुछ ना कुछ कमी है। ये बिपिन बिपिन आज नहीं आए हैं, कोई सुना लीला नहीं कर रहे, इसलिए अभी उन्होंने सबको पास माला लेकर के जाती है लक्ष्मी, लेकिन सबको अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ कमी दी। लेकिन जब नारायण के पास में गई, अगर सर्वगुण संपन्न कोई तो भगवान नारायण को अंदर में दिखे, लेकिन वहां भी एक कमी दिखी। बोले क्या कमी दिखी, बोले मैं तो नारायण को चाह रही हूँ, लेकिन ये नारायण मेरे को नहीं चाह रहे। फिर सोच रहे थे बोले भगवान क्यों मेरे को चाहेंगे, कितना ओम पूर्ण मदा पूर्ण बिंदु, वो तो पूर्ण है, उन्हें तो किसी की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे चाहिए प्रभु। फिर उन्होंने गले में उनकी गले में माला डाल दी, इसलिए बोले लक्ष्मी नारायण की। फिर समुद्र मंथन हुई, फिर स्वयं धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर निकला। फिर तो देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई, हमें चाहिए हमें चाहिए, दैत्य लोग जोर जबरदस्ती अमृत कलश छीन ली। फिर भगवान मोहिनी अवतार लिए, इतने सुंदर की मोहिनी, क्या उसकी चाल, क्या उसकी तेरी चितवन, क्या उसकी श्रृंगार, ये जो लड़ रहे थे ना अमृत के लिए, ये मोहिनी को देख करके सारी लड़ाई खत्म बंद हो गया, सभी सब पागल हो गए इससे बात करने के लिए। एक मोहिनी कहते अजी तुम कहां से आए हो, इतने में एक दैत्य धक्का मरे बात करना नहीं आता, पहले उसको पिता का नाम पूछो। फिर तीसरा धक्का, वो पागल हो गए उसके बात करने के लिए। इतने में मोहिनी ने पूछा भैया क्या चक्कर है, तुम लोग इसलिए लड़ाई पढ़ाई क्यों कर रहे हो। बोले हम दो भाई है और ये अमृत के लिए लड़ रहे हैं। बोले देख मोहिनी हम अमृत पिएंगे तुम्हारी हार। मोहिनी बोली देखो मैं अनजान स्त्री हूँ, अनजान स्त्री को ऊपर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। बोले नहीं पिए तुम्हारी हार मेरे मतलब पिएगी नहीं। मोहिनी बोले देखो फिर मैं जो करूंगी फिर बीच में बोलना नहीं। बोले कुछ नहीं बोलेगी। बोले तुम लोग दो लाइन करके बैठ जाओ, पहले ये देवता को ऊपर ऊपर का पानी पानी पिला देती हूँ और तुम लोगों को मैं गाढ़ा फिर पिला दूँ। बोले मोहिनी अमृत नहीं मिले कोई बात नहीं, अगर तुम मिल गई ना हमें सब कुछ मिल जाएगी, वो तो पागल हो गए सोचते रहो। इतने में मोहिनी देवता को तो अमृत पिला रही थी, लेकिन ये दैत्य के तरफ में केवल धीरे धीरे मिट्टी मिट्टी मुस्कर हार से देख रही थी और तेरे चित्तवन से केवल उनका तरफ में देख रही थी। दैत्यों का तो अमृत तरफ में ध्यान ही नहीं था, ये क्या कर रहे नहीं कर रहे, उनको तो मीठी मीठी जो हंसी और उनको जो तेरी चिंता बनी उसी में तो तुम पागल होते होगी। इतने में अमृत को पिला पिला जब पिला रही थी, एक सोधर नाम का दैत्य ये चंद्र सूर्य के बीच यहाँ पे बैठ गया। बोले लगता है कुछ दाल में काला है, हो ना हो सब कुछ मिला दे, उन्होंने उन्हें भी पिला दिया। इतने में चंद्र सूर्य इशारा किया, बोले प्रभु ये दैत्य है ये अमृत पी लिया। भगवान चक्र बोला और सुगो गला को भगवान ने काट दिए। जब काट दिए एक बन गया राहु और एक बन गया केतु बन गया, इसलिए चंद्र सूर्य ग्रहण होता है। देखो पुराण का और एक कथा आती है, भगवान जब उसको गले को काट दिया ना जहां पर उसकी मांस गिरा है वहीं पर बन गया कहते वहां पर बन गया ये प्याज पौधा पर बन गया, जहां पर उसकी हड्डी गिर गया वहां पर बन गया लहसुन जी पौधा बन गया। ये पुराण में ये कथा आती है, इसलिए आप देखना जैसे आप लोग नवरात्रि रखते हो, रखते कि नवरात्रि कि नौ दिन तक प्याज लहसुन भी खाते हो भाई, क्यों नहीं खाते हो, क्योंकि इसका जो सृष्टि है ना इसका सृष्टि
ये गलती चीज से हुई है। इसलिए देखना ठाकुर का भोग ठाकुर को कोई सेवा में ही नहीं लगती है। दूसरे पुराण में आई शंकर जी शिवलिंग के ऊपर जब सारे फल रख रहे थे वो सारे फल तो रहा लेकिन ये प्याज लुढ़क कर गिर पड़ा, इसलिए शंकर जी का इनके ऊपर अभिशाप भी शंकर जी के ऊपर भी। तीसरे पुराण में कथा की है ये गैया के मांस से ये प्याज बना है और गैया की हड्डी ये लहसुन बना हुआ, इसलिए इसको तामस की भोजन मानी जाती है। इसलिए कहीं भगवान की सेवा में ये चीज नहीं लगती है। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना धीरे धीरे शुद्ध होकर के पवित्रता पूर्वक खाना बनाओ, भगवान की भोग लगा कर खानी चाहिए, ये गंदी चीज से दूर रहनी चाहिए। अभी अमृत बन करते करते जब अमृत समाप्त हो गया उन्होंने अमृत कलश को वहीं पर फेंके और भगवान वहीं से अंदर ध्यान फैल कर देवता दैत्य में घमासान युद्ध हुई। देवता लोग अमृत पी चुके थे, दैत्यों को तो एक तरफ से काटना शुरू किया जैसे केले का पेड़ काटते हैं। इतने में सारे समाप्त कर रहे थे, इतने ब्रह्मा जी आए आकर उनको रोके, फिर उनको गुरु जी शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से फिर चले को जिंदा कर दिया। अभी दैत्यों का राजा बलि उसने एक यज्ञ किया जिसका नाम था विश्वजीत महायज्ञ, जो यज्ञ करके संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हो। फिर एक निकला सुंदर एक रथ आया निकला और वहां पूरा धनुष के साथ बाण के साथ में धनुष उसमें जो बैठ कर जो युद्ध करेगा उसको कोई दुनिया में मार नहीं सके। फिर श्री प्रहलाद महाराज आए, नरसिंह देव का प्रसाद सीमा प्रदान किए उनको, फिर सारे ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर के उन्होंने फिर स्वर्ग का ऊपर आक्रमण की, जितने वहां पर इंद्र चंद्र थे सबको मार मार कर वहां से भगा दिए, पूरा भगा दिए वहां को और बैठ गए इंद्र का आसन पर बैठ गए। अभी देवताओं का माँ अदिति बड़ी दुखी हो गई, कश्यप के पास में गए, बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे ले, बोले केवल 12 दिन का एक व्रत पयो व्रत है, ठाकुर का फिर भोग लगाओ और बड़े संजय पूर्वक भगवान की भक्ति करो, भगवान वामन रूप में आकर के फिर राज्य को वापस लेंगे। फिर भगवान वामन देव दिन दो बार भगवान वामन देव जन्म लेते हैं, बोले श्री वामन भगवान की। जब वामन देव आए बृहस्पति उनको उपनयन संस्कार करवाए, नियम है उपनयन संस्कार के बाद में गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए। बोले गुरु जी क्या दक्षिणा दे, बोले मेरे को छोटे में चीज नहीं स्वर्ग राज्य ला करके मेरे को दो, बोले किससे, बोले बलि से। ये नर्मदा नदी के किनारे में ये करता यज्ञ, यज्ञ के बाद में कोई भी ब्राह्मण आए जो मांगे वही देते हैं। फिर भगवान वामदेव वहां पर पहुंचे, जब पहुंचे क्या भगवान की सुंदरता, क्या उनकी चमचमाती सही चेहरा, बलि महाराज इतने प्रसन्न हो गए, आज मेरे जीवन धन्य हो गया, स्वयं ठाकुर जी मेरे स्वयं इतने सुंदर ब्राह्मण आए उनका सिंहासन पर बैठा चरण धोए चरणा मृत लिया, बोले आज आप जो कुछ हमें मांगे मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, मैं आज झोली भर दूंगा, कहीं आपको और झोली फैलाने का जरूरत नहीं। भगवान बोले पहले आप संकल्प लो, जब संकल्प लेने जा रहे थे ना इतने में शुक्राचार्य जी यज्ञ कर रहे थे सुहास सुहा कर रहे थे, किसने बोला तू तो सुहास सुहा लगे हुए तेरे चेला लूटे जा रहा है, बोले चेला मतलब, बोले पहले जो मोहिनी बन करके आए थे ना वो मोहिनी अभी मोहन बन करके आए, अभी ये तीन पग जमीन में आकर सब कुछ ले जाएंगे, जल्दी जल्दी जाओ। इतने में शुक्राचार्य भागते भागते आया, बोले बलि सावधान, जानते हो ये बालक कौन है, कौन है, बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना वही मोहिनी अभी मोहन बन करके आया, देख ये तीन पग जल्दी नहीं ये त्रिभुवन को ले जाएगा, ऐसे दाल को प्रशस्य नहीं मानी जाती। बलि तो इतने प्रसन्न हो गए, बोले मेरे दोनों हाथ में लड़ लड़ दोनों हाथ में लड़, आप स्वयं बता रहे हो क्या ये भगवान है, अब स्वयं कहना भगवान दुनिया की शिक्षा ठाकुर जी का ना दुनिया, वो इच्छा करने पर दुनिया को ले सकते थे लेकिन आज भगवान मेरे दरबार में भिखा बन करके आए, किसका इतना सौभाग्य होगा जो भगवान को भी दान प्रदान करे, दान दे, मैं तो जरूर इनको दान दूंगा, मैं गुरु जी हूं मेरे आधे साल में नहीं करोगे, बोले नहीं, बोले तेरे को अभिशाप देता हूँ तो श्री भ्रष्ट हो जाओगी लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओगी, बोले कोई बात नहीं एक दिन तो दुनिया जाएगा ही लेकिन भगवान जहाँ स्वयं आए, बोले आप कैसे गुरुदेव हो,
बोल गुरु का काम क्या है, कहते ना अखंड मंडलाकारम व्याप्त जेन चराचरम तत्पद दर्शी जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का काम क्या है, जो कण कण में जो भगवान व्याप्त है उनके चरण कमल को जो दर्शन करा दे, ये गुरु जी का काम है। साक्षात भगवान है, गुरु का काम ठाकुर जी का चरण को दर्शन कराए, और ये उल्टा उपदेश करे भगवान को मत दिया कर। बोले ऐसे गुरु जी की कोई जरूरत नहीं। देखो शास्त्र ने बताया गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, अपराध लगता है, लेकिन बताया गुरु जी को त्याग लेनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर जहाँ भक्ति की विरोध कोई चीज हो, भक्ति की कोई विरोध काम करते हैं, कहते अगर उनको त्याग देते हैं उसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसे गुरु जी को उन्होंने त्याग दिए, उन्होंने संकल्प करने के गए, गंगा सागर होता ना उसमें नाम होता है, फिर वहां पर कीड़े बनकर बैठ गए, फिर उससे सोचा कोई इच्छा से काई जम गई, उससे छेद लिया तो उसकी एक आंख ही चली गई, फिर तो वहां से भागे। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर कोई भगवान की काम हो ना, भक्ति का काम, कभी टांग नहीं हटानी चाहिए, कभी टांग नहीं हटानी चाहिए। अगर हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, देखो ये भागवत का धर्म की कितने महिमा भागवत में कहते हैं, बोले आदरितवा अनुमोदितम, ये भक्ति धर्म में अगर इतनी सी कोई बात बोल दे भगवान की कथा अच्छी काम बोलने बहुत अच्छी बात है। कहते ना अगर इसकी भलाई नहीं कर सकते हो इसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। अगर इतनी सी कोई बात बोल दे तो व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, देवद्रोह विश्वद्रोह क्यों नहीं किया, इतना बात करते ही सारे पाप से मुक्त होकर के वो भगवत धाम को गमन करता है, इतना महिमा ये भक्ति धर्म में। इसलिए कहते अगर भक्ति में कोई टांग अड़ाएगा तो उसका क्या होगा, आंख ही चली जाएगी, फिर तो भाग गया वहां से। फिर उन्होंने संकल्प करके उन्होंने एक पग में भूर भुव मोहजन तप सत्य लोक तक पहुंचा, पितामह ब्रह्मा चरण को धो करके चरणामृत रखे, वही पति बावली गंगा मुनि। बस श्री गंगा देवी दूसरे चरण को अतल भीतल तलातल सुतल अतल लोगों ने स्पर्श किया, अभी तीसरे पग में कोई स्थान है ही नहीं। इतने में भगवान बोले, बोले तू बोल रहा कहीं झोली भी पसारने का जरूरत नहीं, अभी तो दो पग ही गया, तीसरे पग रखूंगा। उन्होंने गरुड को बुला करके उनको नाग खास बंधन में बांध लिए। इतने में उनकी जो पत्नी थी वो बहुत भक्तिमती थी, बहुत अच्छी थी। इतने में पत्नी ने कहा तुम भगवान को तो कुछ दिया ही, दुनिया भगवान का, भगवान दुनिया ले लिए, जब तक खुद को खुद नहीं देते थोड़ी कुछ देना होता है, उसको बताओ ना अपना सर पर रखे इतने सौभाग्य कहाँ मिलेगा। बलि महाराज इतने खुश हो गए, वाह पत्नी ऐसी होनी चाहिए, स्त्री का एक नाम पत्नी, पत्नी मतलब क्या, जो पति को कभी भी गिरने जो कभी नहीं दे, हर समय पति को ऊंचा करके रखे, ऐसे नहीं सुख में साथ दे और दुख हो तो भाग जाए, तब उसको पत्नी नहीं कहती है। इसलिए बलि महाराज इतने संतुष्ट हो गए, बोले पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पत्नी हर समय पति को इज्जत तो बचा करके रखे, तो प्रसन्न हो गए। बलि महाराज बताए ये बताओ दान बढ़ाना दान, बोले दानी बड़ा, बोले आप तो केवल दानी लिए, दानी तो अभी स्वयं गाते, बोले बताओ तीसरे चरण कहाँ पर रखे, बोले मेरे सर पर रखो, फिर भगवान उनका सर पर रखे, सारे देवता ने प्रसन्न हुए, क्योंकि जो चरण कमल को कहते ना शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जहाँ निरंतर ध्यावी, बोले ये दुर्लभ चरण कहाँ पर, बलि महाराज का सर पर रखे, सारे देवता प्रसन्न हो रखे, स्वर्ग से पुष्पों की बहुचार करते है। बोले श्री बामन भगवान की, बोले श्री बलि महाराज की जय हो। बलि महाराज की जय जयकार कर रहे थे, इतने में भगवान ने बताओ बलि को क्या चाहिए, बोले आपकी चरण की भक्ति, बोले जाओ तेरे को मैं सुतल लोग में स्थान देता हूँ, स्वर्ग से भी ज्यादा वैभव, बोले और क्या मांगो, बोले एक ही वरदान दो, राजदरबार में चार डोर है, चार दरवाजा है, मैं जब अंदर में आऊं आपका दर्शन करके आऊं, जब मैं बाहर जाऊं आपका दर्शन करके बाहर जाऊं, भगवान तथा मतलब क्या हो गया, भगवान दरबार में बनकर बैठ गए, भगवान उसके दरबार मतलब प्रेम में भगवान प्रसिद्ध हो गए। एक दिन नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, देखा नारायण है नहीं, बोले प्रभु जी कहाँ गए, बोले पता नहीं कहीं गए अभी तक आए नहीं, बोले प्रभु जी विदेश में नौकरी ढूंढ ली, बोले नौकरी ढूंढ ली, बोले कौन सा नौकरी, बोले दरबार की,
बोले कहां पर, बोले बलि महाराज की, बोले ठगने गए थे स्वयं ठग गए। इतने में लक्ष्मी स्वयं आई, देखा भगवान बैठ गए, कह रहे जगते रहो जगते रहो। बोले यही कसर है इतनी तुम्हारी, बोले बात मत करो ड्यूटी में, अभी बात मत करो, अभी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। बलि महाराज रोज दान देते हैं, देखो भक्ति के भगवान कितने पैसे होते हैं, भगवान बलि महाराज रोज दान देते हैं। जिस लाइन में साधारण लोग खड़ी है उसमें माँ लक्ष्मी स्वयं लाइन में खड़ी हो गई। जब माता जी के नंबर आई लक्ष्मी की, बोले आपको क्या चाहिए, बोले पहले संकल्प करो फिर मैं आ दूंगी। बोले पहले तो एक संकल्प कराने वाला आया था, अभी तक तो कोई संकल्प कराया नहीं, सबको दे रहा हूँ, संकल्प क्यों करवा रही हो। बोले बगैर संकल्प में मांगती नहीं। बोले संकल्प उन्होंने की, बोले बताओ क्या चाहिए। बोले मेरे पास में सब चीज पूर्ण है, लेकिन एक चीज कभी मेरा कोई बढ़िया दरबार नहीं। मैंने कहा आपको वहां पर एक अच्छा दरबार बैठा हुआ, ये दरबार में मेरे को दाने में दे दो। और समझ गए, बोले पहले ये बताओ आप है कौन। इतने में माँ लक्ष्मी स्वयं वहां प्रकट होती है, मैया लक्ष्मी की। भगवान बलि महाराज कहते हैं आपको तो भगवान को देख सकता, बोले ठाकुर जी एक स्वरूप में रहो और दूसरे स्वरूप में जाओ। देखो भक्ति की क्या महिमा है, उन्होंने माँ लक्ष्मी को दान दे रही है। लक्ष्मी कौन है, देखना लक्ष्मी माँ लक्ष्मी के हाथ ऐसे रहते हैं, है ना। हम सबके सब लक्ष्मी की कृपा मांगते हैं, लक्ष्मी की कृपा बगैर हम सब कंगाल हो जाएंगे। सारा दुनिया माँ लक्ष्मी की पूजा करती है, लक्ष्मी की कृपा हो, लक्ष्मी की कृपा हो। लेकिन आज ये लक्ष्मी को सारा दुनिया को जो कृपा करने वाली, इनको बड़े कृपा कर रहे हैं कौन, बलि महाराज इनको दे रहे हैं। बोले दे रहे हैं क्या, बोले छोटे मोटे चीज नहीं दे रहे हैं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है भगवान को इनको दे रहे हैं। मतलब भक्ति की कितने महिमा, भगवान भक्ति को सामने कितने झोंक जाते हैं। आज स्वयं बलि महाराज की भक्ति में इतने संतुष्ट हो गए, माँ लक्ष्मी को भगवान को हमने दान दिया है, इसलिए बलि महाराज की जो महिमा है सारा दुनिया में अमर हो गया। बोले श्री बलि महाराज की। अभी भगवान पामन देवा आ रहे हैं, देखो नियम है भगवान कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, भगवान को कुछ भिक्षा देनी चाहिए। इसलिए सुदामा जी भगवान को दो मुट्ठी चिड़वा दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य ले लिए। इसलिए आज भगवान स्वयं आपको पास में भिक्षा मांगने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनको दान देने बड़ा पुण्य है। ले आओ बच्चे को ले आओ, अब थोड़ा सा रास्ता बना दो, ले आओ रास्ता बना दे, अभी कृष्णा आने वाले हैं। इसके बाद बोली वामन भगवान की जय, जय जय श्री राधे। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे।
बैठिए 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 बस श्री बाबा ने